एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अन्वेशा क्रिएटिविटी। मेरे सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज मैं शेयर करने जा रही हूँ मेन क्लोजेट ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही साथ कुछ ऑर्गेनाइजर भी आपके साथ में शेयर करूंगी। प्लस मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कुछ मेरा मंथली स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो कि मैं हमेशा ही यूज़ करती हूँ। एक्चुअली तो क्या हुआ था कि जब मैं वीडियो शूट कर रही थी तभी आ गया था, तो सोचा आपके साथ में शेयर कर दूँ। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी क्लोज़ेट को ऑर्गेनाइज करने के लिए ज़रूरी होता है कि हमारे पास प्रॉपर ऑर्गेनाइजर्स हों, जिससे कि हम चीज़ों को सेग्रीगेटेड करके उस तरीके से हम ऑर्गेनाइज़ कर सकें। तो उसके लिए काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज़र्स तो मैंने बना रखे हैं, कुछ ऑर्गेनाइज़र्स मैं अभी बना रही हूँ, कुछ ऑर्गेनाइज़र्स मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़र बनाना पॉसिबल नहीं होता है हर बार। तो जितना हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ कि घर पर ही ऑर्गेनाइज़र्स बनाऊँ, और मैंने बाहर से कभी ऑर्गेनाइज़र्स खरीदे नहीं, एक दो को छोड़ करके। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने दो ऑर्गेनाइज़र्स जो हैं वो ऑर्डर किए हैं ऑनलाइन। जब आएंगे तो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी वो भी, लेकिन वो बिल्कुल डिफरेंट से हैं, यूनिक से हैं, तो वो चलिए बाद में शेयर की बात है। तो फिलहाल मैं एक ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ टी शर्ट्स वगैरह रखने के लिए। शर्ट टी शर्ट्स आप रख सकते हैं, सूट्स वगैरह भी रख सकते हैं वैसे तो, लेकिन ये मैंने इस तरीके से बना रही हूँ जिससे कि इसमें आप टी शर्ट या शर्ट वगैरह रखते हैं मेंस, तो वो बहुत ही ईजीली निकाल सकते हैं। तो ये मेरे पास एक डब्बा था बड़ा सा, इसके चारों तरफ के फ्लैप जो थे वो मैंने कट कर दिए हैं, और इसके बाद में दो किनारे पर 10 इंच जो है वो मैंने स्पेस छोड़ते हुए इस तरीके से दोनों साइड में तिरछी लाइन मैंने ड्रॉ कर ली हैं। अब दो लाइंस ड्रॉ की हैं सिर्फ मैंने, और इसके बाद में इसको इस तरीके से नाप के मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। तो कट करने के बाद में इसको थोड़ा मजबूती देने के लिए मैंने यहाँ पर लगाया है सेलो टेप। आप चाहें तो सेलो टेप या फिर पेपर टेप का यूज़ करके इसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और उसके बाद में इसके ऊपर जस्ट सिंपल सा जो भी कोई आपके पास फैब्रिक हो वो आप लगा सकते हैं नॉर्मल पीवीए ग्लू की हेल्प से, या फिर आप लगा सकते हैं उसको हॉट ग्लू गन की हेल्प से, फेबीबॉन्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने चारों तरफ से इसके कपड़ा लगा दिया और इसको रखा मैंने धूप में सूखने के लिए। अंदर के साइड में भी कपड़ा लगा दिया, और इसको थोड़ा सा और मजबूत बनाने के लिए अलग से एक कार्डबोर्ड का फ्लैप लेकर के मैंने उसके ऊपर कपड़ा लगाया और उसको इस तरीके से निकाल दिया। इससे बेनिफिट ये होता है कि एक तो डबल हो गया तो मजबूत हो गया, साथ ही साथ दूसरी चीज़ ये कि आपका इसको जब आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। और देखिए, एक ऑर्गेनाइज़र बना के रखा, इतनी देर में मेरा आ गया एक कोरियर जो कि मैं मंथली स्किन केयर जो सामान होता है वो ऑनलाइन ही मंगाती हूँ, क्योंकि कई बारी क्या होता है जैसे मार्केट मेरा बहुत कम जाना होता है, तो इसीलिए मैंने ऑनलाइन मंगाया था। और ये कोई कोलैब वीडियो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये मैं यूज़ करती हूँ इसीलिए आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो इसमें कुछ सामान मेरे हस्बैंड का है, कुछ सामान मेरी डॉटर का है, और कुछ सामान मेरा है। तो क्या क्या सामान मैं मंथली यूज़ करती हूँ सोचा आपके साथ में भी शेयर कर दूँ। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ है ये भृंगादी ऑयल है, कामा आयुर्वेद का, और इंटेंसिव हेयर केयर ट्रीटमेंट है। तो ये बहुत अच्छा तेल है, मैं पिछले काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ, और ये देखिए ना जाने कितनी ही बॉटल्स मैंने खाली कर दी हूँ। हेयर ऑयल के मामले में जब से मैंने ये वाला हेयर ऑयल यूज़ किया है मुझे कोई और पसंद ही नहीं आ रहा है, तो मैं इसी को रेगुलर बेसिस पर यूज़ करती हूँ। और कामा आयुर्वेदिक का ही नल पर मादी तैलम है एक, ये फेस के लिए बहुत अच्छा होता है, इसको भी मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। हालांकि ये पुराने डब्बे दिखा रही हूँ मैं आपके साथ में, तो ये दोनों चीज़ें बहुत पहले की अब ख़त्म हो चुकी थी इसीलिए मैंने मंगाया। और डॉटर के हेयर केयर के लिए मैं हमेशा ही कामा का, डॉटर के लिए तो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, बहुत लंबा टाइम हो गया, 2-3 साल से ज़्यादा ही हो गए। तो कामा आयुर्वेद का ये कोकोनट ऑयल है, बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल होता है, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है बट ये बहुत अच्छा होता है, आप इसको यूज़ करके देखें बहुत ही बढ़िया होता है। तो ये वाला हेयर ऑयल जो है ये मैंने अपनी डॉटर के लिए मंगाया है, और इसके बाद में मैंने मंगाया है लोटस हर्बल का वाइट ग्लो, एक ये स्क्रब है। तो ऐसा होता है जैसे कि हम रेगुलर बेस पर जैसे कभी भी स्क्रब करते हैं, तो ये स्क्रब काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मैं पहले बहुत पहले भी यूज़ करती थी, फिर बीच बीच में दूसरी चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ, लेकिन फिर वापस अपनी पुरानी चीज़ों पर ही आ जाती हूँ, तो ये अच्छा लगा मुझे। अच्छा, ये ममा अर्थ का जो है
ये एक बेबी लोशन है, हालांकि ये छोटे बच्चों के लिए है, लेकिन मैं हमेशा ही अपनी डॉटर को अभी भी यही यूज़ कर रही हूँ और उसकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहती है। तो अगर आपके 10 साल तक के बच्चे हैं तो आप बेफिक्र होके इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में मैंने लोटस हर्बल का ही जैसे स्क्रब मंगाया था, साथ ही साथ इसका ये फेस मास्क मंगाया है। तो जैसे हम कभी भी अपना स्किन केयर करते हैं तो ये स्क्रब कर सकते हैं, फिर हेयर मास्क लगा सकते हैं, वो सॉरी फेस मास्क लगा सकते हैं और अच्छा सा फेस वॉश ले लीजिए, तो आपका ये इतना जो स्किन केयर है वो सफिशिएंट होता है। तो ये मैंने मंगाया है लोटस का ही कोको मॉइस्ट मॉइस्चराइज़र, जो कि मैं यूज़ करती हूँ। कभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना जो हस्बैंड को पर्टिकुलर पसंद है तो हस्बैंड अपने लिए मंगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो पर्टिकुलर मुझे पसंद है। तो इसमें से काफ़ी सामान अभी नहीं आया है क्योंकि अभी आउट ऑफ स्टॉक था, तो अभी जब भी आएगा तो इसके अलावा भी बहुत सारा सामान रहता है कॉस्मेटिक में या स्किन केयर में। तो इसके बाद में ये मैंने मंगाया था यूवी प्रोटेक्टर बॉडी लोशन, यानी कि सनस्क्रीन मंगाया था। ये आजकल के वेदर पे बहुत ज़्यादा सही रहता है क्योंकि अभी धूप थोड़ी सी तेज़ होने लगी है, तो अभी मैंने SPF 25 वाला जो है वो सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ आजकल में। और लोटस का काफ़ी अच्छा रहता है, अफोर्डेबल भी है साथ ही साथ मतलब अच्छा रहता है। और अगर आप थोड़ा अफोर्डेबल रेंज में देख रहे हैं तो आप लोटस का ले सकते हैं क्योंकि हर्बल प्रोडक्ट है और नॉर्मल से ड्राई स्किन के लिए सभी के लिए अच्छा रहता है। अच्छा, जब टैनिंग वगैरह होती है तो उसके लिए मैंने ये मम्मा अर्थ का एक किट मंगाया है पूरा, ये भी मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसको रेगुलर बेसिस पर नहीं करती क्योंकि थोड़ा सा कॉस्टली है। तो ये देखिए, इसमें सबसे पहले एक फ़ेस वॉश है, मामा अर्थ का उपटन फेस वॉश है, और इसके बाद में एक स्क्रब है और इसका फेस मास्क है। तो ये तीन चीज़ों की एक किट है और प्राइस आई थिंक 950 कुछ था इसका। जितना भी लिंक मुझे मिल गया अगर, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी प्रोडक्ट्स के लिंक देने की पूरी कोशिश करूंगी। आप वहां जा कर के, अमेज़ॉन पर मिल जाता है बहुत ही आसानी से, तो अमेज़ॉन के लिंक दे दूंगी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसमें चेक कर सकते हैं। अच्छा देखिए, ये मामा अर्थ का ही उपटन फेस मास्क है, ये बहुत ही अच्छा है आपकी टैनिंग के लिए। अगर जैसे हम जैसे बाहर जाते हैं, इतना काम करते हैं तो हाथ पैर या फेस वगैरह टैनिंग हो ही जाती है, जो हमारे बॉडी के एरिया जो कवर नहीं रहते हैं, फेस है, हैंड्स है, हमारे पैर वगैरह हैं, तो वो क्या होता है ना, उसके ऊपर टैनिंग जैसे जम जाती है। तो अगर आप इसको 2-3 से बार यूज़ कर लोगे तो ये बहुत अच्छा सा रहता है और धीरे धीरे करके टैन रिमूव होता रहता है। तो बस यही थोड़ा सा कॉस्मेटिक था जो कि मैंने आपके साथ में शेयर किया। तो सभी के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे माई हॉल स्टोर पर, आप चेक कर लीजिएगा और अगर आपको जो भी पसंद आता है तो आप ले सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो ऑर्गेनाइज़र बना रही थी, मेरे पास एक ये छोटा सा, या देख सकते हैं आप, कार्डबोर्ड का डब्बा था, उसको मैंने कट कर लिया और उसके बाद में ये लगाई मैंने बैम्बू स्टिक। बैम्बू स्टिक को भी मैंने कट कर लिया था जितना मतलब हाइट मुझे डब्बे की चाहिए थी। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ। सुंदर सुंदर से ऑर्गेनाइज़र अगर आपके कपबोर्ड में रखे होते हैं तो वो देखने में अच्छे लगते हैं, खुद को भी अच्छे लगते हैं। अगर कोई आप किसी मेहमान के सामने भी, अगर अभी कोई आउटसाइडर है तो आप उसके सामने भी अपनी कबर्ड ओपन कर रहे हैं और मतलब सुंदर से ऑर्गेनाइज़र रखे होते हैं तो वो देखने में ख़राब नहीं लगता है। तो ऑनलाइन पर तो बहुत कॉस्टली ही मिलते हैं, तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि खुद ही बना सकूँ। तो इस तरीके से देखिए, मैंने यहाँ पर ये बैम्बू स्टिक लगा दी हैं और बैम्बू स्टिक मैंने लगाई हैं 8-8 तो लगाई हैं लंबाई वाली साइड में और 5-5 लगाई हैं मैंने दूसरे साइड में। तो ये देखिए, लगाने के बाद में नॉर्मल PVA ग्लू की हेल्प से मैंने इसके ऊपर लगाई है जूट की रस्सी और ऊपर के साइड में जो जूट की रस्सी मैं लगा रही हूँ, नीचे तो मैंने वैसे करके स्टिक कर दी और ऊपर की साइड में स्टिक करने की ज़रूरत नहीं है, बैम्बू की जो स्टिक्स है ना उसी में फंसा करके मैंने घुमा घुमा करके इसके अंदर लगा दी है। अच्छा, अब आधे में मैंने लगाई है, आधी बैम्बू स्टिक पर मैंने लगाया है ये जूट की रस्सी को और उसके बाद में आधा छोड़ दिया है क्योंकि चारों तरफ से लगाना था मुझे फैब्रिक और फैब्रिक लगाया है मैंने वाइट कलर का, मेरे पास फैब्रिक था। अगर आपके पास जूट का फैब्रिक है तो आप वही लगाएं, वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। और मेरे पास ये वाइट था, जूट का फैब्रिक नहीं था, तो मैंने इसको नॉर्मल PVA ग्लू की तरफ से हेल्प से चारों तरफ इस तरीके से लगा दिया। तो ये देखिए, बहुत ही आसानी से लग जाता है और ये छोटी छोटी पट्टियाँ कट की थी और इसको इस तरीके से लगाने के बाद में मेरा ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है अंदर के साइड में। अब क्या करना था, बाहर के साइड में इसको करना था तैयार।
ये देखिए कुछ ऐसा लग रहा है और बिल्कुल वोवेन लग रही है, जैसे कि हमारी बुनाई की हुई जो आपको मार्केट में मिलती है ना ऑर्गेनाइजर वाली बास्केट्स, वो कुछ इसी तरीके की होती हैं, तो ये भी सेम वैसे ही लग रही है। अंदर के साइड में मैंने व्हाइट फैब्रिक लगा दिया था और बाहर के साइड में मेरे पास ये क्रोशिया वाली थोड़ी सी लेस पड़ी हुई थी, तो उसको मैंने यहाँ पर स्टिक कर दिया चारों तरफ। अच्छा, अब बारी आई थी क्लोजेट को ऑर्गेनाइज करने की, तो सबसे पहले मैंने इसका सारा सामान निकाला, हस्बैंड के सारे कपड़े, ढेर सारे कपड़े तो अभी वॉशिंग में पड़े हुए हैं, तो अभी जितने भी थे यहाँ पर मैंने इस तरीके से निकाल करके रख दिए। और जो छोटे छोटे निकनैक्स हैं उनको मैंने इस तरह के हैंडमेड जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनमें रखा है, और कुछ ऑर्गेनाइजर्स मैंने और मंगाए हैं, तो सारा सामान अगर ऑर्गेनाइज़र में ऑर्गेनाइज किया जाएगा तो स्पेस काफ़ी निकल आता है। अब ये एक छोटी सी अलमीरा है, कपबोर्ड है, आप देख सकते हैं, इसको पहले मुझे क्लीन करना था, तो पहले मैंने जो पेंट ब्रश होता है पेंट ब्रश की हेल्प से पूरा अच्छे से झाड़ दिया। उसके बाद में मैंने थोड़ा सा स्क्रब लेकर के इसको थोड़ा सा स्क्रब कर दिया, जिससे कि जैसे हाथ वगैरह लग जाते हैं तो गंदा हो जाता है, तो इसको अच्छे से साफ़ करने के बाद में इसके अंदर मुझे लाइनर बिछाने थे, बट मेरे पास चूंकि लाइनर नहीं थे, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर तो किए हैं बट अभी आए नहीं थे, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर अभी मैं कोई फैब्रिक स्प्रेड कर देती हूँ। तो ये मैंने एक सोफ़े के कवर बनाए थे जो कि धुलने के बाद में ना काफ़ी कपड़ा श्रिंक हो गया, तो अभी मैं उनको स्प्रेड नहीं करती हूँ, तो उनको मल्टीपल तरीके से यूज़ कर लेती हूँ, तो यहाँ पर मैंने इसको स्प्रेड कर दिया है। और करने के बाद में सबसे पहले जो सबसे बड़े बड़े कपड़े होते हैं, जैसे जैकेट्स है और पैंट वगैरह है, डेनिम वगैरह, ट्राउज़र वगैरह जो हैं उनको मैंने लगा दिया। उसके बाद में जो स्वेटशर्ट्स वगैरह होती हैं वो भी काफ़ी हैवी हैवी सी होती हैं, तो जो फॉर्मल होती हैं या ऑफिस वेयर होते हैं वो तो मैंने हैंगर में हैंग कर दिए हैं, जो घर में पहनने वाले होते हैं या वैसे ही पहनते हैं तो उनको मैंने लगाया है इस तरीके से जो अभी हमने ऑर्गेनाइज़र बनाया था उसके अंदर। और इस तरीके से सेट बना करके रखने से क्या होता है कि एक तो ये ढूंढने में दिक्कत नहीं होती, तो हस्बैंड्स की सारी आदत होती है ना, मेरे हस्बैंड की तो यही आदत है कि वो एक कपड़ा निकालते हैं और सारे कपड़े फैला देते हैं, तो इसीलिए इस तरीके से अगर मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी तो उनको ईजी रहेगा लेने में और सारी चीज़ें विजिबल भी रहेंगी। तो जैसे छोटे छोटे जो ऑर्गेनाइज़र्स बनाए हैं, एक में मैंने उनकी सैंडोज रखी हैं, हैंकी रखे हैं, ग्लव्स हैं, एक में मैंने मास्क रखे हैं, और इस तरीके से मैंने फ़ोल्ड करके टी शर्ट्स को या उनकी शर्ट्स जो हैं इस तरीके से फ़ोल्ड करके रखी है। और ये देखिए वो वाला जो हमने अभी बनाया था ऑर्गेनाइज़र, वो कुछ इस तरीके से लग रहा है। ऊपर की साइड में लेस लगा दी, नीचे के साइड में लेस लगा दी और ऑर्गेनाइज़र बन करके तैयार हो गया। इसमें मैंने स्कार्फ या मफलर वगैरह जो होते हैं वो रखे हुए हैं, और ये इसमें रखे हैं मैंने कुछ स्वेटर्स और नाइट सूट या ट्रैक सूट इस तरीके से रख दिए। यहाँ पर देखिए सारे सैंडो आ गए हैं और इनको मैंने रखा है कुछ इस तरीके से। तो सारा सामान ऑर्गेनाइज करने के बाद में मैं आपको अभी दिखाती हूँ, फिलहाल तो इस तरीके से यहाँ पर अरेंज करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, और जब सारे ऑर्गेनाइज़र इकट्ठे हो जाएंगे फिर इनको इजीली हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से ये जो टी शर्ट्स रखी हैं मैंने और कुछ ऑफिस की शर्ट्स वगैरह जो रखी हैं उनको भी मुझे ऑर्गेनाइजर्स में ही रखना है, उससे क्या होगा कि इजीली एक्सेसिबल होगा वो, और जो चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरी रहती हैं वो नहीं बिखरी रहेंगी। तो कोशिश करनी चाहिए अगर ऑर्गेनाइजर्स में हम चीज़ें रखते हैं तो वो थोड़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहती हैं, बजाय इसके कि हम चाहे कितना भी सेट करके रखते वो सामान उथल पुथल हो ही जाता है। मेरे हस्बैंड की कबर्ड में तो एटलीस्ट ऐसा ही होता है। आप में से बच्चे बताइएगा किन किन फ्रेंड के हस्बैंड जो हैं वो सामान फैलाते हैं अपनी कपबोर्ड में, ये मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए कुछ इस तरीके से लग रहा है कंप्लीट होने के बाद में। आई होप आपको ज़रूर हेल्प मिली होगी इस वीडियो से, कुछ ना कुछ ज़रूर हेल्प मिले आपको इस वीडियो से। अगर ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल बटन, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखने के लिए। पूरा कंप्लीट होने के बाद में ये कुछ इस तरीके से लग रहा है। मैं मिलूंगी आपसे जल्दी ही एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए और ऑर्गेनाइज भी रहिए। बाय बाय।